बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस सेशन इज़ मेनली इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज, बट यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज। सो आई विल कंटिन्यू फॉर द सेशन इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज। जी, लास्ट टाइम हमने ये CSS के बैकग्राउंड, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग जो सब प्रॉपर्टीज़ वाली जो फॉर्म है, दोनों तरह से हमने किया था। तो हम फिर आज इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा आज हमारा सेशन चेंज इस तरह होगा कि हम शायद इसमें जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं CSS के, ये शायद हम एक या दो या चंद चैप्टर्स ही करेंगे और फिर हम PHP को स्टार्ट कर देंगे और उसके अलावा फिर एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है इंशाल्लाह। तो ये अब देखें, बॉर्डर्स यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के लगे हुए हैं। अब यहाँ पे फुल चारों तरफ है, यहाँ पे सिर्फ बॉटम पे है, यहाँ पे बॉर्डर है लेकिन साथ में कॉर्नर राउंडेड है। तो यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे और उसको कलर दिया है। तो इसमें हम देखते हैं, एक इसमें बॉर्डर में स्टाइल की प्रॉपर्टी है और इसमें ये फिर उसकी वैल्यूज़ हैं। वैसे ये होते हैं सॉलिड होता है बाई डिफ़ॉल्ट, तो ये डॉट्स के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे भी डॉट्स वाला तो शो नहीं किया लेकिन आगे एग्जांपल में आएगा। इस तरह डबल भी हो सकता है, डैशेस के साथ भी हो सकता है और ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। तो इसमें अभी हम एग्जांपल देखते हैं और जिस तरह ये डैशेस, डबल बॉर्डर और मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ थी वो हम इसके देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है, थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन हम इसमें देखते हैं कि ये हमने किया हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पे ऊपर हम CSS की क्लासेस बनाई हुई हैं, p.p.p. इसका मतलब है ये सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होंगी और एक का नाम डॉटेड है और बॉर्डर स्टाइल डॉटेड है और इसी तरह जिसका नाम डैश है उसके बॉर्डर स्टाइल डैश और इसी तरह सो ऑन। तकरीबन ये ऐसे ही है और एक इसमें आखिर में इन्होंने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दिए हैं। तो इसको हम वन बाई वन देखते हैं और यहाँ पे डॉटेड भी देखें कि सॉलिड में तो बिल्कुल फुल आपका बॉर्डर आता है, डॉटेड में बिल्कुल ये डॉट्स के साथ आया है, फिर डैशेस के साथ है, सॉलिड है ये, यहाँ पे डबल बॉर्डर है और ये कोई स्टाइल है इसका मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा, नहीं ये मैंने कहा ये स्टाइल इस्तेमाल नहीं किए हुए, लेकिन इसमें भी इफ़ेक्ट्स ही हैं, बेसिकली स्टाइल्स अलग अलग हैं। अब इसमें बॉटम की साइड पे ज़्यादा है, ये इसमें बॉटम की साइड पे है, इस पर ऊपर की तरफ बॉर्डर ज़्यादा है और बाय डिफ़ॉल्ट तो बॉर्डर नहीं होता, कोई भी एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो। हिडन बॉर्डर में ये है कि बॉर्डर अपनी वो कंज्यूम कर रहा है जगह लेकिन शो नहीं हो रहा, हिडन में है तो उसकी जो स्पेस, जो अगर इसका साइज़ देते हैं हम, उसमें वो कंज्यूम करेगा। और मिक्स में देखें, चार इन्होंने दिए हैं वैल्यूज़, ऊपर डॉट्स पे आया है, फिर राइट साइड पे डैशेस आई हैं, फिर बॉटम पे सॉलिड आया है और चौथी साइड पे डबल आया है। तो ये एग्जांपल हमने देख लिया है, मतलब ये निस्बतन सिंपल ही है। तो इसमें हम फिर ये एक चैप्टर इसका मेरे ख्याल है और करते हैं विड्थ का, बल्कि ये सारे वैसे है रिलेटेड ही हैं ये, लेकिन इसमें बस ठीक है हम ये दो चैप्टर्स ही करेंगे। तो इसमें बॉर्डर की विड्थ देखें, मुख्तलिफ आप ये फॉर्मेट्स हैं उसमें दे सकते हैं और इसमें भी एग्जांपल हम देखते हैं फिर अंदाज़ा होगा। इसमें भी देखिए स्टाइल उसी तरह हैं, सब के सब ये पैराग्राफ के ऊपर ही हैं और फिर आगे हमने क्लासेस उनकी बनाई हैं, डॉट के साथ क्लासेस होती हैं 1, 2 और सो ऑन। तो इनको फिर हम देखते हैं वन बाई वन। तो जिस तरह ये पैराग्राफ है, इसका नाम वन है,
यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं, और इसकी हम देखते हैं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है और बॉर्डर विथ 5 पिक्सल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पिक्सल होती है, और इसकी हम 50 कर दें तो अच्छा खासा ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह हम फिर दूसरे का देखते हैं, सेकंड ग्राफ में सॉलिड है और विड्थ में कोई वैल्यू देने के बजाय सिर्फ मीडियम मेंशन कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो भी डिफ़ॉल्ट मीडियम का साइज़ बनता है वो लग गया है। फिर यहाँ पे डॉटेड है और 2 पिक्सल का है, यहाँ पे फिर थर्ड इसमें फोर्थ में डॉटेड है और थिक है, जी इसमें सवाल पूछा गया है कि ये स्टाइल हम ये किस तरह इस्तेमाल करें, तो इसमें हमने पढ़ा है सीएसएस में 3 तरह के हम ये अप्लाई कर सकते हैं तरीकों से, एक इनलाइन होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फाइल तो कोई ऐड नहीं किया है, तो एक्सटर्नल स्टाइल इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इन लाइन के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें कलर रेड कर दिया है, तो ये कलर यहाँ पे हमें टेक्स्ट कलर रेड हो गया है, और ये जो स्टाइल जो टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है ये आपका जाता है इंटरनल स्टाइल सीएसएस, तो ये इन लाइन हो जाता है। एट्रीब्यूट अगर स्टाइल का लगा हो तो ये आपका इन लाइन हो जाता है, अगर ये स्टाइल का टैग लगा हो तो ये आपका इंटरनल इंटरनल हो जाता है, और एक्सटर्नल में फिर लिंक का एक टैग है तो उसमें उसका पाथ आप दे देते हैं जहाँ पे आपकी सीएसएस फाइल पड़ी हुई है। तो इसमें अभी हम क्या बात करने लगे थे, हाँ सवाल एक और ये था कि टेक्स्ट, इसको फिर टेक्स्ट मैंने अभी देखे यहाँ पे ज़्यादा किया है, सवाल ये था कि ये बॉर्डर तो जहाँ तक टेक्स्ट है वहाँ तक क्यों नहीं आए, एक सवाल ये था ना कि जहाँ तक टेक्स्ट है ये बॉर्डर यहाँ पे डॉट के बाद ये एंड हो जाना चाहिए था, तो वो इसका जवाब ये है कि ये हमारे जो एलिमेंट है पैराग्राफ ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसमें 2 तरह से होते हैं, इसमें भी एक ब्लॉक लेवल होता है और एक इन लाइन होते हैं, तो इन लाइन जो एलिमेंट्स हैं उनका जितना साइज़ होता है वो उतनी ही विड्थ लेते हैं, तो ब्लॉक लेवल जो आपके वो उनके जो बाय डिफ़ॉल्ट 100% विड्थ होती है, तो यानी ये उसको अभी क्योंकि ये मेन आपकी बॉडी के अंदर है और बॉडी ये राइट टू लेफ्ट ये आपकी कंज्यूम कर रही है, तो वो उस वजह से फुल विड्थ में ये ले रहा है, तो इसकी अगर हम विड्थ चेंज कर दें तो ये फिर आपका बॉर्डर, इसका बॉर्डर साइज़ भी छोटा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अभी इन लाइन में ही हम विड्थ हम दे देते हैं इसको, मिसाल के तौर पे हम इसको दे देते हैं 50 पिक्सल, तो आपका ऑटोमेटिकली बॉर्डर जो है वो उस तरह वहाँ पे आ गया जो जो विड्थ है, तो बाय डिफॉल्ट थोड़ी इसकी सी ज़्यादा कर रहे हैं इसको, मतलब 150 कर दूँ, 150, ठीक है ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये ले रहता है। यहाँ पे भी हम देखें परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं, 50% कर देता तो ये आधे आधे तक आ जाती है, तो बाय डिफॉल्ट ये 100% होती है विड्थ इसकी। तो अभी इसका पेरेंट जो एलिमेंट है वो बॉडी है, यानी कि पूरा पेज है। वैसे ये है कि अगर ये किसी छोटी जगह पे होता ना, एक डिव होता, उसको हमने 50% विड्थ दी हुई है और उसके अंदर ये होता और फिर इसको हमने 50% दी होती, तो ये ऑटोमेटिकली जो पूरी विड्थ है 100% उसका ये 1/4 हो जाता। सही सही सही, तो इस पेज को मैं एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ ताकि वो जी इसको पेज को हमने रीलोड कर दिया है, तो इसमें हम देख रहे थे ये 5th लाइन को, तो इसमें स्टाइल डबल है और विड्थ 15 पिक्सल है और लास्ट में यहाँ पे डबल है और सिर्फ अच्छा इसको ये थिक बाज है में थिक भी लिखा हुआ है, जी, जिस तरह और यहाँ अगर इसको पे कम करेंगे मीडियम थिक मीडियम और बाकी कम करनी है तो मीडियम से, वो क्या लफ्ज़ है? एक मैं ये दोनों आपको दिखाता हूँ, इसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा इसके स्मॉल थिक रेफरेंस, मेरा ख्याल है नहीं है, तो इसमें
फिर इसका रेफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह जो वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो मुझे भी ज़बानी याद नहीं है। तो हम ठीक है इसमें अभी इसका रेफरेंस इसको खोल के देख लेते हैं, तो हमें कंफर्मेशन भी हो जाएगी। तो रेफरेंस में आप यहाँ पे जाएंगे और ये CSS के रेफरेंस पे आ जाएंगे, या डायरेक्ट आप सर्च कर लें तब भी ठीक है। तो इसमें जैसे अभी हम रेफरेंस चेक करना चाह रहे हैं ये स्टाइल का, बॉर्डर स्टाइल, उसको मैं सर्च यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर स्टाइल, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड होता है, सॉलिड सपोर्ट ऑलमोस्ट है, तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं। इसको ज़रा आप एक सेकेंड नैरो करके देखेंगे। नहीं, ये हमने सब स्टाइल चेक करना शुरू कर दिया, बॉर्डर विड्थ चेक करनी थी, प्रॉपर्टी जो है वो गलत देख लिया है। वैसे मुझे भी लग रहा है इसमें और वैल्यूज़ होनी चाहिए, मीडियम थिन है, थिन स्मॉल की थिन जगह थिन थिन है। है, तो बास जगह पे बोल्ड या इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, तो उसमें और बारीक हो गया है। ये ज़रा फर्स्ट वाले को कीजिएगा, क्या चीज़ ये जो सम टेक्स पहली प्रॉपर्टी है ये बोल्ड है ना, ये थिक है, है? ठीक है, इसको उसको ज़रा थिक वाले को करें कम, थिक वाला फिर थिन हो सकता है, थिन करें थिक वो वाले। इसको किया है ना, ये इसको किया है, ये वाला जो सेलेक्ट हुआ है ये इसको थिन पहले तो किया है, थिक था, पहले कुछ और वैल्यू थी। करें ज़रा चेंज इसको। नहीं, मैं 1 मिनट ये करता हूँ ना, इसकी हब हटा के देखता हूँ, ये तकरीबन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना उसके साथ कंपैरिजन हो जाएगा, और इसको भी मैं ये डबल ही करता हूँ, सब वो सिमिलर होंगे ना, तो फिर कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो थिन होने से, या इसमें सॉलिड सबको दे देता हूँ, तो कंपैरिजन फिर डिफ़ॉल्ट ये है, फिर थिन है, और फिर थिक है, आपस में कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर थोड़ा सा थिन में बिल्कुल बारीक सा है। तो चले हम फिर आगे चलते हैं, रेफरेंस इसका बंद करते हैं, एग्जाम्पल भी बंद करते हैं, और साइड्स, इसमें हम देख सकते हैं कि विड्थ जो है वो हम किस तरह देख सकते हैं साइड्स के ऊपर। तो जिस तरह भी हमारे पास ये 1, 2, 3, और यहाँ पे इसी तरह पैराग्राफ्स हैं, ये तो 1 के ऊपर हमने स्टाइल दिया है सॉलिड, और विड्थ हमने दी है, दो वैल्यूज़ दी हैं, तो ये फिर आपका राइट लेफ्ट, पहली वैल्यू राइट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी वैल्यू सॉरी, ये पहली वैल्यू जो टॉप बॉटम को कर रही है, और दूसरी राइट लेफ्ट को कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे 20 दिया है, तो यहाँ से डिफरेंस आपको पता लग रहा है। इसमें भी सेम यही किया है, पहले टॉप बॉटम को ज़्यादा हो गई है, और राइट लेफ्ट को कम हो गई है, और जब 4 देंगे तो ये फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लेगा वैल्यूज़, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा टॉप से राइट से 10 है, और नीचे और कम हो गया है 4, और यहाँ से फिर 35 है। जी, दो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? 2 जो है ना, पहली वैल्यू टॉप और बॉटम को करती है, और दूसरी वैल्यू जो है ये राइट लेफ्ट को करती है। इसमें एक जगह पे 3 वैल्यूज़ भी आती हैं, तो 3 में ये होता है, पहली टॉप को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी राइट लेफ्ट को करती है, और तीसरी बॉटम को करती बॉटम है। तो ये इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये 2 वाला है इसको 5 पिक्सल दे देता हूँ, तो अब ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ये टॉप और आपका बॉटम जो है वो 5 हो गया, ठीक है, और राइट लेफ्ट 20 हो गया। तो खैर, अगर 5 ही देना था तो फिर तो 2 में ही देनी चाहिए ना वैल्यूज़, अगर डिफरेंस हो ना टॉप और बॉटम का, फिर ये 3 वाली वैल्यूज़ हम देते हैं, और राइट लेफ्ट सिमिलर है, तो वो अब 50 हमने दिया, तो अच्छा खासा हमें स्पेस इसमें नज़र आ रही है। तो इसमें ये स्पेस के साथ जो एक वैल्यू दें, वो सब साइडों पे
वैसे ही अप्लाई होती है। दो देंगे तो फिर पहली टॉप बॉटम, दूसरी राइट लेफ्ट। तीन देंगे तो पहली टॉप आखिरी बॉटम और दरमियान वाली राइट लेफ्ट। चार देंगे तो ये ऊपर से शुरू हो जाए, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये इसका सीक्वेंस है। तो ये आपको इसी तरह वैल्यूज़ मुख्तलिफ तरीके से नज़र आती हैं। तो इसको अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और ये मैं इसको नोट भी करता हूँ अपने पास ये टेक्स्ट फाइल में, ताकि ये हमें याद रहे हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था। और इस चैप्टर का टाइटल भी मैं लिख देता हूँ इसके साथ ही, और इससे पिछले जो चैप्टर है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो उसको भी मैं नोट कर लेता हूँ, ये मेरा नोट करना रह गया था। साथ में इसका लिंक, और ये मैं इसकी जो YouTube की डिस्क्रिप्शन है उसमें ये मैं फिर ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो दूसरा था बॉर्डर विड्थ, ये मैं कर चुका हूँ सही। तो अभी हम फिर चलते हैं आगे, PHP की तरफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो PHP का एक तो ये डिफरेंस है कि ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। आपकी जो तीन चीज़ें हैं HTML, CSS, JavaScript, ये आपकी क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट हो रही हैं, जो हमारा सेटअप है। वैसे तो आजकल JavaScript जो है वो सर्वर पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है, Node.js की जो टेक्नोलॉजी है वो इसी पे काम करती है, लेकिन जो अमूमी इसका इस्तेमाल है वो क्लाइंट साइड पे ही है। आपने डायनामिक चीज़ें करनी है तो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन जब CSS कंप्लीट होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो वैसे ये सारी चीज़ें पैरेलल भी चल सकती हैं, क्योंकि ये अपने इंडिपेंडेंट भी हैं और मिलके भी काम, ये सारा इकट्ठा एंड पे आपका ये मिलके हो रहा होता है। तो अब जो मोस्ट रिसेंट जो PHP का वर्जन है वो 8 रिलीज़ हो चुका है, गालबन ये नवंबर या दिसंबर के एंड पे हुआ है। तो ज़्यादा फिर जो है अभी भी स्टिल जो इसमें पुराना एक वर्जन है PHP का 5, वो अभी तक स्टिल चल रहा है। तो 7 पे काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं और होंगे, और 8 भी रिलीज़ हो चुका है। तो फिर इनके फीचर्स का डिफरेंस है, और ये आपस में आप कहें कि वो कंपेटेबल नहीं है, कि एक कोड आपने PHP 8 में लिखा है और उसको आप PHP 7 किसी जगह इंस्टॉल है वहाँ पे रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा, वो एरर्स देगा और एग्जीक्यूशन उसको नहीं होगी, चेंज करना पड़ेगा। तो आप फिर ये आपको मतलब फिर ये इसको देखना चाहिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म आपका जो है उस पर PHP वो सपोर्ट है 7 की, तो तब उसमें कोडिंग करें। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजीज़ में आपके काम है या बाज़ का रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उसकी डेवलपमेंट हुई PHP वर्जन 5 में है, तो फिर 7 में जो नए फीचर्स क्या हैं वो वाला कोड तो बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ कोड कॉमन है और वो फिर डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं तो फिर आपको पता भी लग जाता है क्या चीज़ चल सकती है। तो यहाँ पे ये यह है कि हम इसमें इनकी जो एग्जांपल्स हैं ट्राई इट, इसमें ये है कि इसको हम कोड को चेंज करके भी देख सकते हैं। तो PHP का ये है कि हम ऐसे भी लिखा जाता है, ये ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसके पास वैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप साथ मेंशन करें कि ये PHP का कोड है, वरना ये है कि अगर सिर्फ ये अकेला लिखा हो तो फिर आपको सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि ये PHP का कोड ही है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप यहाँ पे मेंशन कर दें। और इसमें देखें जैसे अभी हमने ये एको करवाया है, और एंड टैग पे भी मेंशन करना ज़रूरी है। ये एंड टैग, अगर तो आपकी फ़ाइल जो है उसमें सिर्फ PHP का कोड है तो फिर तो आप एंड टैग छोड़ सकते हैं, या ये कि इसके बाद कोई भी HTML या और कोई कोड नहीं है तो तब भी इसको छोड़ सकते हैं, ये एंड जो है ना इसको छोड़ सकते हैं अगर सिर्फ है। जैसे अभी तो चलें ये जो लिखा हुआ है ये नज़र आ रहा है, और आप हमें पता है कि ये इनवैलिड अगर कोड हो तब भी उसको ये प्रोसेस कर लेता है, जैसे ये बॉडी को हमने क्लोज़ नहीं किया, HTML को क्लोज़ नहीं किया, ये तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हम इसको क्लोज़ नहीं करेंगे तो उसे तब भी चल जाना चाहिए जी। तो इसको पेज को हम दोबारा रीलोड कर देते हैं, और इसको साथ में चला लूँ ताकि मुझे पता लगता रहे कि इंटरनेट भी चल रहा है।
इसमें 2 सेकंड्स कर देता हूँ तो ये रीलोड 2 सेकंड्स के बाद कर रहा है। तो अभी हम क्योंकि नीचे HTML का कोड है या जावास्क्रिप्ट का हो या स्टाइल्स हो, अगर कुछ भी कोड हो तो फिर इसको आपको क्लोज करना पड़ता है, वरना वो इसको भी अज्यूम करेगा कि ये PHP का कोड है। तो एक तो हमारा देखें, हमने इसमें डिस्प्ले कराना है, तो इसमें दो ये कमांड्स हैं, एक एको और एक प्रिंट। तो इसमें हमने कोटेशन के अंदर अपना टेक्स्ट लिख दिया है, ये सिंगल कोट के अंदर भी हो सकता था, डबल कोट के अंदर भी हो सकता था। तो अपनी वैसे टेस्टिंग के लिए हम वैसे कुछ इसमें टेक्स्ट और ऐड करते हैं ताकि हमें पता लगे वाकई ये चेंज कर रहा है। इसको हम रन करते हैं तो ठीक है, हमें पता लग रहा है कि ये सही वर्किंग कर रहा है। फिर इसमें एक शॉर्ट फॉर्म भी है इसी की, और वो ये है कि अभी तो जैसे आपको एको लिखना पड़ा है, और इसी तरह बाकी और लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट उसी तरह है, लूप्स भी हैं, वेरिएबल्स का कंसेप्ट भी है, इफ कंडीशंस भी हैं, तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म इस तरह भी इस्तेमाल होती है कि इसके साथ आपका डायरेक्ट इक्वल साइन लग जाता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे ये ट्राई इट में ये इसको अलाउ करते हैं या नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसको रन करके चेक करता हूँ। तो इसमें यह है कि वो ऑटोमेटिकली एको, जो आप समझें कि वो ऑटोमेटिकली एको कर रहा है। तो इसमें जहाँ पे आपका HTML का कोड और PHP का कोड मिक्स हुआ है तो उसमें ये फिर आपको ज़्यादा सहूलत दे देती है और छोटी फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है। इसी की नस्बत हम देखेंगे इस तरह ये आए तो ये फिर अगर इसको हम एक लाइन में कन्वर्ट कर दें फिर भी स्टिल ये ज़्यादा लेंथ ले रहा है, बनिस्बत इसके जब आप मिक्सअप करें तो ये आपको चीज़ ज़्यादा फिर आपको अच्छी या आसान लगेगी। लेकिन इसमें फिर आप सर्वर चेंज करते हैं और जिस पे वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ कि वो इस टैग को PHP का टैग अज्यूम करता है या कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, तो फिर मसला आएगा। तो इसमें हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइजेज आएंगी आगे, एग्जांपल्स हैं, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो ये तो उसका एक डेमो टाइप शुरू में था, तो वैसे ये है कि आपको पहले HTML CSS JavaScript आनी चाहिए। इसमें अभी जो हम कर चुके हैं वो HTML, वैसे जो ये हमारी प्लेलिस्ट है अगर आप उसको देखें तो उसमें HTML का ये हम जो है पार्ट कर चुके हैं, CSS का हमने कुछ किया है, JavaScript फिलहाल हमने स्किप किया है और हम PHP पे स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो PHP होती है, बाकी आपने जैसे सर्वर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसमें तो ऐसे भी होता है कि ये .php स्किप भी करवा देते हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की बात है। जैसे गूगल की साइट पे जाएं तो उनकी जो सर्वर किन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है वो नहीं शो होने देते, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ तो रन हो रही है, वो चाहे पाइथन है चाहे PHP है या समथिंग जो भी। तो बाकी व्हाट कैन PHP डू, इसको थोड़ा रिपीट कर। इसमें वैसे हम ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट करेंगे ही, वैसे तो ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, डायनामिक कंटेंट आता है यानी जैसे कि डेटाबेसेस में आता है, आप फाइल्स को रीड राइट और ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। सिमिलर ये आप जो क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं यही आप डेटाबेसेस के साथ कर सकते हैं, बाकी ये कुकीज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। कुकीज क्या चीज़ है, सेंड एंड रिसीव कुकीज? ये छोटा सा आपके समझें कि ब्राउज़र में पोर्शन आपके जो वेबसाइट जो है ना वो उस पर क्रिएट होता है उसके लिए, और वो वहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा जैसे यूज़र फर्स्ट टाइम आपकी साइट पे आता है, आप एक पॉपअप एक आए और उसमें वो आप उससे ले लें नेम उसका, या डेटाबेस में स्टोर हुआ हुआ है उससे आप रीड करके कुकीज़ में सेट कर दें, और नेक्स्ट टाइम बाद में अगर वो बंदा फिर साइट खोलता है आपके पेज खोलता है तो वो लिखा हुआ है जो वेलकम उस बंदे का नाम लिखा हुआ आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और PHP जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे रन होती है, और PHP 7 जो है, जो PHP 5.6J इसका लेटेस्ट जो वर्जन है उससे बहुत ज़्यादा स्पीड और बेहतर है, और इसी तरह PHP 8 का जो है वो कह रहे हैं वो इससे भी बेहतर है, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता स्विच होंगे, और जिन लोगों का सॉफ्टवेयर PHP 5 में हैं वो उनके लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम नेक्स्ट चलते हैं। बाकी सर्वर्स जो हैं उन पे तो अक्सर आपके लिनक्स हुई भी होती है, और उसके साथ ही ये PHP MySQL अपाची ये 3 सॉफ्टवेयर्स हुए होते हैं, तो ये मिल के कम्बिनेशन में काम करते हैं। तो विंडोज़ के ऊपर हमने आपने डेवलपमेंट करनी है सीखनी है तो उसमें इसमें एक वैम के नाम से सॉफ्टवेयर है, वैम सर्वर, और एक जैम्प सर्वर है। तो
इनमें से कोई एक भी आप इंस्टॉल कर लें, आपका बैरल, आपका सिस्टम वो उसके लिए रेडी हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये कि फिर आपने ऑनलाइन करना है। और वैसे अगर आपके विंडोज़ बेस्ड सर्वर है तो उसमें भी IIS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है और उसके अंदर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, विंडोज़ में भी जो है वो ISS बिल्ट इन होता है ये? ये बिल्ड इन मतलब सर्वर्स में तो होता है, उसमें ऑन करना पड़ता है उसको। जो जी सर्वर एडिशन में तो शायद वो आउट ऑफ द बॉक्स चलता हो, लेकिन ये नॉर्मल आपकी विंडोज़ है इसमें भी आप इसमें जहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐड रिमूव करते हैं वहाँ पे एक ऐड फीचर्स ऐड रिमूव फीचर की एक ऑप्शन होती है। वहाँ पे आप जाएँ ना तो वहाँ पे चेक बॉक्सेस लगे होते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं, वहाँ पे IIS भी लिखा होता है। तो उसको आप इनेबल करें तो वो आपका वेब सर्वर टेम्परेरी तौर पर, मतलब वैसे टेस्टिंग के लिए हम जारी बात है अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो टेस्टिंग के लिए करना है। तो उसमें फिर यह है कि आप कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, आपका वर्किंग में कोड हो जाता है, फिर आप लाइव सर्वर पे, चाहे वो विंडोज़ का है, चाहे लिनक्स का है, यूनिक्स है, जो भी सर्वर है उस पर आप मूव कर देते हैं चीज़ें। तो अभी हम क्योंकि ये सहूलत ये दे रहे हैं ऑनलाइन अपने ये इसके अंदर ही टेस्ट करने की, जैसे हमने ये पीछे कोड थोड़ा सा ये चला के देखा भी है, तो ये हम साथ साथ करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखें उन्होंने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल बनाना बहुत आसान है। कोई भी आप टेक्स्ट लिखें जो भी अलाउड है, क्योंकि इसमें भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आप नहीं लिख सकते, तो उसके साथ आपने ये डॉलर साइन लिखा है, तो ये इसको वेरिएबल बना देता है। और ये वेरिएबल लूज टाइप इसको हम बोलते हैं, कि इसमें जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल उस टाइप का हो जाएगा। जिस तरह अभी हमने स्ट्रिंग किया तो स्ट्रिंग आ गया। तो अब देखिए ये डबल कोट और इसकी सिंगल टाइप मतलब प्री डिसाइडेड नहीं होती जैसे? नहीं, बाकी हम लैंग्वेजेस में करते हैं, इसमें ऐसे नहीं है, लूजली टाइप ये लैंग्वेजेस हैं। ये एक इसकी फीचर भी है और खामी भी है, उसमें फिर नुकसान भी होता है, आपके कोड डिबगिंग में खासतौर पे इश्यूज आ जाते हैं अगर आपके टाइप के इश्यूज हैं। तो इसमें देखें यहाँ पे मैंने कहा था कि सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। तो डबल कोट सिंगल कोट में अगर आप लिखेंगे ना, तो ये टेक्स ऐसे ही डॉलर साइन टेक्स लिखा हुआ आएगा राइट साइड पे देखें, लेकिन ये क्योंकि डबल कोट है तो डबल कोट आपको ये फीचर देती है कि इसमें आप वेरिएबल के नाम अगर ऐसे ही लिख देंगे या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो फिर वेरिएबल का टेक्स्ट जो है वो आएगा लिखा हुआ। तो इसमें भी देखें मैं सिंगल कोट इसमें लगा के देखता हूँ, तो इसमें राइट साइड पे PHP जो है ना ये लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, सिंपल यही टेक्स आ जाना चाहिए, डॉलर साइन TXT यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये सिंगल कोट और डबल कोट के डिफरेंस है। तो अगर आपने वेरिएबल्स वगैरह कुछ भी अंदर यूज़ नहीं करना तो फिर सिंगल कोट यूज़ करना थोड़ा सा इफ़िशेंट है, कोई माइक्रो मिली सेकेंड मतलब कोई छोटे लेवल पे, बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप वेरिएबल इसके कोड्स के अंदर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप सिंगल कोड यूज़ करें। और वेरिएबल्स अगर आपने ये इस तरह इस्तेमाल करने हैं जिस तरह की आपकी डिमांड है, ज़रूरत है, तो फिर आप डबल कोड यूज़ करें। तो इनकी अच्छी बात यह, पहले ये इस तरह की ये कोड चेंज करने की सहूलत नहीं देते थे ये W3 स्कूल वाले, लेकिन इन्होंने अपने सर्वर को अपडेट किया है तो अभी ये इसकी सहूलत देते हैं। तो इसका सेंटेक्स जैसे हमने देख लिया है कि छोटी ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, तो ये हमारे इसका सेंटेक्स है। और जो दूसरे सेंटेक्स है वो भी हमने थोड़े से अल्टरनेट वो भी देख लिए हैं, एक्सटेंशन PHP होगी, और ये एग्जांपल मेरे ख्याल है हम कर चुके हैं इस, या सिमिलर एग्जांपल हम कर चुके हैं, इसको हम स्किप करते हैं। सेमी कॉलन के साथ एंड होता है ये चीज़, तो आप सी लैंग्वेज, C++, जावा, इन चीज़ों में ये कॉमन है। तो आपका जो PHP का कोड है आप देखेंगे ये भी बहुत हद तक आपका सी, C++, जावा, इन इन लैंग्वेजेस के साथ मिलता जुलता है। ये केस सेंसिटिव है? ये केस सेंसिटिव नहीं है, और सी लैंग्वेज में आप देखें वो केस सेंसिटिव है, इफ़ अगर आप कैपिटल में लिख देते हैं तो वो नहीं चलते। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी HTML है वो भी केस सेंसिटिव नहीं है, आप टैग्स एंड लोअर अपर केस दोनों में लिखें वो चल जाएगा, लेकिन कन्वेंशन आप एक ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है,
ज़्यादातर लोअर केस ही लोअर यूज़ केस होते ही हैं। यूज़ होता है, तो बेहतर है आप भी अब HTML का भी अब देखें प्रेफर अब यही किया जाता है कि सब लोअर केस में लिखें, बाकी देखें टैग्स अब लोअर केस में लिखते हैं सिवाय इसके पहले डॉक टाइप के, बाकी सब इसको भी लोअर में लिखा जा सकता है, लेकिन कन्वेंशन है, हर बंदा अपनी अपनी वो उसी तरह जिस तरह पसंद है उसकी चॉइस है उस तरह कर सकता है। लेकिन जो है वेरिएबल्स नेम जो हैं वो केस सेंसिटिव हैं, अगर आपने कैपिटल में बनाया है तो वो कैपिटल ही यूज़ करना है, लोअर केस में है तो लोअर केस में करना है। तो ये बाकी जो इसके कीवर्ड्स है ये उसके हिसाब से इन्होंने बात की है, ये जिस तरह इको कीवर्ड है ये लोअर मिक्स करके भी कर दिया है तब भी चलेगा। इसमें अभी ये कंसोल प्रोग्रामिंग की साइट पर है या अब इसमें क्रूड ऑपरेशन वगैरह भी प्रैक्टिसेस करवाते हैं PHP ये जो W3 स्कूल्स में? इसमें तो करवाएंगे ये, तो उसमें तो इनके सर्वर पे ही डेटाबेस होगी ना, सही। तो वो तो आपको इतनी लर्निंग उसमें सीखने को नहीं मिलेगा, आपने करने हैं तो फिर तो ये है कि आप सर्वर अपने कंप्यूटर को बनाएं फिर उस पे आप ये चीज़ें करें। तो ये इसकी एग्जांपल हम करते हैं, इसमें क्लासेस वगैरह की साइट पे लेके जाते हैं ये कि क्लासेस भी हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टेड है, मतलब फुल 100% तो शायद नहीं है जिस तरह सी लैंग्वेज या जावा में, सी प्लस प्लस या जावा में हम करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो इसमें या मुख्तलिफ तरीके से होती हैं। आपको पता है सी लैंग्वेज के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जा सकती है, सी लैंग्वेज के अंदर, हालांकि सी वो प्रोसीजर नहीं है? प्रोसीजरल है लेकिन कुछ चीज़ें वो उसकी सपोर्ट करती है, लेकिन वो भी बात है उनका फिर तरीकाकार थोड़ा सा अजीब होता है, वो फिर मुश्किल भी होता है। क्योंकि सी प्लस प्लस तो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जी सी का मेरे इंफॉर्मेशन के वो मुताबिक प्रोसीजरल है वैसे, लेकिन उसमें कुछ जो इसके फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वो किए जा सकते हैं, लेकिन वो फिर तरीकाकार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो मुश्किल लगती है, तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप सी प्लस प्लस में काम करें। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स का कंसेप्ट दिया है, यहाँ पे इन्होंने एक लोअर केस में कलर के नाम से वेरिएबल बनाया है, इसको वैल्यू दी है रेड, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है माई कार इज़ लोअर केस में लिखा है तो वहाँ पर रेड लिखा हुआ है, और बाकी दोनों केस मिक्स कैपिटल और मिक्स केस दोनों में वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब है ये अलग वेरिएबल्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लिखते हैं एक वेरिएबल ऐसा लिखते हैं जो कि नहीं डिफाइन हुआ हुआ तो ये फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो ही अज्यूम करता है। जी, वो जब डिफाइन ही नहीं हुआ वो हाँ वेरिएबल। ये फिर इश्यूज़ हैं इसमें, आप इसी तरह वेरिएबल कोडिंग कर रहे हैं और आप किसी तरह से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप फिर ढूंढते रहें मसला किधर है, तो वो बेसिकली आपके स्पेलिंग का मसला होगा, वेरिएबल का नाम आपने गलत लिखा है, वैल्यू उसकी ज़ीरो आ रही होगी। तो एक्सरसाइज हम करते हैं, इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड बिलो टू आउटपुट हेलो वर्ड, चले हम करते हैं जी ट्राई, नहीं तो बहुत सिंपल होना चाहिए। तो अहमद भाई आप बताएं क्या होना चाहिए यहाँ पे मिसिंग पार्ट, ये हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है इको स्क्रीन, एको बिल्कुल, तो शो आंसर करते हैं हम। हो गया शो उसी जगह पे अच्छा होगा। सॉरी, इसको हमने वो चेक करना था, सबमिट सबमिट करना था, तो ये ठीक है, और हम अभी इसको क्लोज करते हैं, इसको मैं मेंशन करता हूँ हमने यहाँ तक कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो एक और चीज़ शेयर करनी है वो आपको जो मैंने बताया कि वो चीज़ एक शेयर जो करनी है वो भी फिर बताता हूँ मैं, और ये हमने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लिया है तो इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। PHP ट्यूटोरियल इसको क्लोज भी कर दिया, ये इंशाल्लाह ताला ये जो टेक्स्ट है ये हम उसमें डिस्क्रिप्शन में नोट कर देंगे। तो नेक्स्ट एक हमने चीज़ करनी है जी राइट क्लिक, और ये ऐसे जो हमारा ये ग्रुप है फ्री वेब डेवलपमेंट का, इसमें एक चीज़ मैंने शेयर नहीं की कि मैं एक इसमें रिसेंटली मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा हूँ उसमें रोशन ओएस के नाम से, तो जनरल पर्पस जनरल जनरल जो पब्लिक है उसके लिए इस्तेमाल के लिए है, इसमें बहुत सारे टूल्स और चीज़ें हैं, तो उसमें हमने एक नया फीचर ऐड किया है, छोटी सी चीज़ है लेकिन
उसमें जो मैंने डेवलपमेंट किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बूट सीक्वेंस में अपने जो ISO बनाया है रोशन ओएस का वो देता हूँ। तो ये भी जैसे DVD से या USB से लोड हो रहा है, ये वैसे ही प्रोसेस है। और ये जो सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं अगर इस तरह की टेस्टिंग वगैरह करनी हो उसके लिए। तो इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, जिसमें फिर एक्सपीरियंस थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने जो राइट क्लिक करते हैं, जो मेन्यू आता है एम्प्टी स्पेस में, विंडोज़ में हम जो अमूमन ये चीज़ करते हैं, तो किसी भी एम्प्टी एरिया में आप राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे रिफ्रेश का बटन एक ऑप्शन आती है। तो उसमें क्योंकि ये ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि ये विंडोज़ के जो यूज़र हैं ज़्यादा लोग वही करेंगे, तो उसमें जब इसमें वो आते हैं रोशन ओएस में या लिनक्स की कोई और भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो राइट क्लिक करते हैं और आपको नज़र नहीं आता रिफ्रेश, तो थोड़े से आवाम तंग होती है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये फिर हमने राइट क्लिक और इसमें रिफ्रेश का ये बटन डाला है, और ये हम इस पर क्लिक करें तो आप देखते हैं कि डेस्कटॉप फिर रीलोड हो रहा है, पता लगता है कि रिफ्रेश हो रहा है। तो आपसे जो मैंने अभी चीज़ शेयर करनी है वो ये है कि ये मैंने काम कैसे किया है। तो इसमें आप ज़रा नोट करें कि आपका जो ये होम फोल्डर है इसको अगर आप ओपन करें, तो अभी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन को रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी रिव्यू के लिए ये बना ही नहीं रहा। इसमें सिर्फ ये जो लर्निंग एक चीज़ है ये मैंने बिल्कुल आज सुबह या रात को ये काम सीखा है किया है, तो वो शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अभी इसमें आपकी फाइल्स जो हिडन फाइल्स है वो नज़र नहीं आ रही, आप कंट्रोल एच करते हैं तो आपकी ये हिडन फाइल्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो इसमें एक डॉट लोकल के नाम से फोल्डर है, डॉट लोकल इसमें जाएंगे और इसमें ये शेयर के नाम से है, और फिर इसमें नीमो के नाम से फोल्डर है, और ये इसका जो आप सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करें ना फाइल मैनेजर या फोल्डर मैनेजर, ये नीमो ही है। तो यहाँ पे इसी तरह फिर लोकल यानी कुछ होती हैं कि सब यूज़र्स के लिए होती हैं सेटिंग्स, उसमें आप इसी तरह शेयर के फोल्डर में जाएं, यहाँ पे फाइल सिस्टम शेयर का फोल्डर और उसमें यह नीमो का फोल्डर भी मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप जो यूज़र करंट यूज़र लॉग्ड इन हुआ हुआ है उसमें हम करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे ये नीमो के फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे एक्शंस के नाम से ये एक फोल्डर है, ठीक है। हम कहाँ पे गए हैं, लोकल शेयर नीमो एक्शंस। तो यहाँ पे देखिए एक ये फाइल पड़ी हुई है रिफ्रेश डॉट नीमो अंडरस्कोर एक्शन, तो इसका हम कोड देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपको ऊपर बता भी रहा है कि एक्शंस फाइल्स कैन बी एडेड टू दिस फोल्डर एंड अपियर इन द मेन्यू, यानी कि राइट क्लिक मेन्यू में आएगा, जिस तरह के हमने ये रिफ्रेश का ऑप्शन डाली है। तो यहाँ पे देखिए मोर इन्फो में हम क्लिक करें तो ये एक सैम्पल फाइल दिखा देता है, और इसी की वजह से मुझे भी काफ़ी सहूलत हुई है कि ये जो ऊपर ऑप्शन आई है ना, ये पॉप अप सा कह लें या, इसकी वजह से मुझे भी फ़ायदा हुआ है कि इसको जब मैंने मोर इन्फो पे क्लिक किया तो इसने सैम्पल फाइल खोल के दे दी है, तो इसके कोड और कुछ थोड़ा सा स्टडी करके समझ आ गई थी। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और जो मैंने खुद काम किया है वो फाइल खोलता हूँ। तो इसको मैं टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ, और इसमें आप देखें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जहाँ पे ये इस तरह बॉक्स ये बड़ी ब्रैकेट और टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इनके हेड्स बने हुए हैं कोड के। ये अमूमन और भी अगर आप कोड वाली फाइल इस तरह की देखें ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उनमें ऐसे ही है। और चैनल साइन जो है ये कमेंट के लिए होता है, यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना लिनक्स में, तो ये सारे कमेंट्स हैं, इसलिए इनको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ अहम है, पैरामीटर है एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, यानी ये जो हम मेन्यू बना रहे हैं ये एक्टिव है, और जाहिर बात है हम इसको एक्टिव करना चाह रहे हैं। तो वैसे आपने अगर इसको डीबग मोड में चलाना है तो पहले आप ये टर्मिनल में कमांड लिखें और फिर ये रन करें, तो आपका ये जो फोल्डर मैनेजर है और डेस्कटॉप पे भी इसी का कंट्रोल होता है, तो वो उस मोड में डिबग मोड में चलेगा। लेकिन अभी हम चूँकि ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ तो अभी इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने फिर ये देखे कमेंट्स के अंदर डिटेल्स दी हैं कि ये पैरामीटर इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये वो नेम है जो वहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप ज़ाहरी बात है कुछ ना कुछ नाम तो लिखेंगे ना, रिफ्रेश परसेंटेज पी ये पैरामीटर यूज़ किया है, और ये जो
पेरेंट फोल्डर है, जो करंट डायरेक्टरी है ना उसका जो पेरेंट फोल्डर है उसका नाम इधर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। और आगे फोल्डर, जैसे ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये डेस्कटॉप का फोल्डर है, तो ये राइट क्लिक किया तो यहाँ पे रिफ्रेश, फोल्डर का नाम डेस्कटॉप और आगे फोल्डर ये वाला टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट, इधर हम जो भी लिखेंगे ए बी सी वैसे ही आएगा। तो जैसे अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फोल्डर का नाम क्या है, एक्शंस, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो जो करंट फोल्डर का पेरेंट है ये उसको यहाँ पे लिख देता है। तो इसको कोड को मज़ीद हम देखते हैं, ये नेम में ये इस वजह से ये चीज़ आ जाती है, बाकी फिर कमेंट हैं। और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला कमेंट, तो ये आप देखेंगे मैं जब राइट क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर एरो लेके जाता हूँ तो बॉटम पे स्टेटस बार में ये इसकी मुझे डिटेल लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। रिफ्रेश एक्शंस फोल्डर, यू कैन आल्सो यूज़ F5 की, तो F5 की भी इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको थोड़ा सा मैं और आपको बताता हूँ कि असल में ये फिर काम हुआ कैसे है। ये तो कमेंट हो गए, तो असल चीज़ ये यहाँ पे हुई है कि एग्जीक्यूट क्या कराना है आपने exe, ये भी कमेंट है। देखिए मैंने और चीज़ें भी यहाँ पे ट्राई करता रहा, तो इसमें फिर मुझे ये एक टूल ये इस्तेमाल करना पड़ा है, बल्कि डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ा है, एक्स डू टूल। तो इसमें की पैरामीटर दिया है और जो की हम चलाना चाहते हैं वो मेंशन कर दिया, जैसे F5 मैं कराना चाह रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के हम और भी सब मेन्यू कमांड्स बना सकते हैं, जो जिस तरह F1 पे अमूमन हेल्प होती है, F1 अक्सर सॉफ्टवेयर में प्रेस करें तो हेल्प का मेन्यू, डॉक्यूमेंटेशन या मेन्यू खुल जाता है। तो आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें तो हेल्प का एक बना सकते हैं हेड, तो उसमें फिर की में आप F1 लिख देंगे। तो वैसे ये है कि यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिख सकते हैं आगे, जो लिनक्स में या आप स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसका पाथ देख के कर सकते हैं, ये एग्जांपल में बताया हुआ भी है इन्होंने। तो फिर आगे आ जाती है एक चीज़ के, यहाँ हमने में आइकन यूज़ किया है। देखिए मैंने आइकन्स काफ़ी सारे ट्राई किए हैं सब के, देखें शुरू में चैनल साइन आ रहा है। तो ये जो आपकी थीम्स पड़ी हुई हैं वहाँ पर जाके आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कौन सा आइकन सेट जो है वो ठीक आ रहा है। तो ये मैं वहाँ पे सर्च किया तो मुझे ये नाम एक मिला है, तो इसके साथ डॉट PNG या समथिंग एक्सटेंशन थी, लेकिन वह उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना। तो ये अगर आप यहाँ पे आए, मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ, फाइल सिस्टम में आए और यूज़र में आए और शेयर में आए और ICON आइकन्स का ये फोल्डर है, ये पाथ है यूज़र शेयर आइकन। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ थीम्स हैं और फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, इनके अंदर आइकन्स के नाम पड़े हुए हैं। तो यहीं से ऐसे ही मैंने ढूंढते वगैरह करते मुझे ये आइकन नज़र आया और इसको फिर मैंने इस्तेमाल कर लिया है। जैसे ये नाम है तो इसको ये डॉट SVG को छोड़ के ये पहले वाला हिस्सा आप नोट कर लें वहाँ पर कोड में, तो ये फिर आइकन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि ये वाला भी आइकन मैंने, ये एरोज इस तरह बने हुए हैं रिफ्रेश को जो ज़्यादा अच्छी तरह रिप्रजेंट करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी और चीज़ भी है, यहाँ पे ये मेन्यू को मैंने स्किप कर दिया था, बहरहाल हमारा काम उससे ऊपर आइकन नेम से ही हो जाता है। तो वैसे ये डबल मेंशन हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, अगर किसी वजह से फ़ाइल वो रिमूव हो जाती है या तो डबल लिखा हुआ तो फ़ायदा है, लेकिन अभी मैंने इसमें काम नहीं किया। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी आप राइट क्लिक किसी फोल्डर के ऊपर कर रहे हैं तो तब हो सकता है, तब आप मेन्यू शो करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी फाइल को उसके ऊपर राइट क्लिक करें तब हो सकता है, फिर मल्टीपल फाइल्स के ऊपर या फोल्डर्स के ऊपर राइट क्लिक करें तब यहाँ पे आप, इधर हम M लिख देंगे सिर्फ, जिस तरह शुरू में M लिखा हुआ था, या आप ये सिलेक्शन वाले चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर आप लिख देंगे नन। तो नन में ये भी है कि ये बैकग्राउंड क्लिक, यानी ये सिर्फ यहाँ पर बैकग्राउंड एरिया में क्लिक करते हैं ना, ये उसके लिए आ जाएगा। तो शुरू में मैंने यही चूज़ किया था नन, तो फिर ये कि ये सिर्फ डेस्कटॉप के इधर हमें ये नज़र आ रहा था, फिर ये फोल्डर्स के अंदर नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं चाह रहा था ये फोल्डर्स के अंदर भी ये मेन्यू में आए, इस तरह अभी ये नज़र आ रहा है। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ये एनी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर एक और चीज़ है कि ये कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, डायरेक्टरीज पे होना चाहिए, डायरेक्टरी ना हो तब आनी चाहिए या एनी पे। तो मैं भी ये चाह रहा था कि ये सब जगह पे आए,
ताकि सब फोल्डर्स या किसी भी फोल्डर के अंदर है उसको भी रिफ्रेश किया जा सके। फिर यहाँ पे कोई एक टाइप है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, सेपरेटर इनको भी यूज़ नहीं किया, और फिर आखिर में मेरे ख्याल है हेलो और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की मैंने इनमें से। तो इस तरह हमने ये सॉर्ट आउट इशू किया है कि विंडोज़ के जो यूज़र हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो राइट क्लिक करें तो मायूस ना हो, रिफ्रेश की उनको ऑप्शन नज़र आए और उनको दिली सुकून मिले। तो ये हमारी है ऑप्शन, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। इसमें बाद में मैं इंशाल्लाह ताला जब ये प्रोसेस हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह इसका एक रिव्यू बनाऊंगा। अगर आप इस ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे तो मैं शायद शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये मेन वेब डेवलपमेंट के लिए या लर्निंग पर्पज़ के लिए है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो चैनल पर आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर नज़र रखें, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला ये हमारी अपलोड होगी। तो फिर हम ये सेशन अभी हम करते हैं क्लोज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।